will have three revision tests in 3 weeks, coming 3 weeks. So tests are going to start from Monday. And you know that science day is Monday only. So pehla test aapka science ka hi hai. Revision test will be of 15 marks. Right? और आपका सिलेबस हम 3 parts में फिर डिवाइड करेंगे. 1.5 chapter है तो हाफ 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 करेंगे. ठीक है. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव यू ग्रेविटेशन. सो नोट डाउन द सिलेबस फॉर रिवीजन टेस्ट 1. इट्स ग्रेविटेशन. फॉर रिवीजन टेस्ट 2 इट्स वर्क एंड पावर. And for revision test 3, it's energy. Energy का डिटेल थोड़ा सा ज्यादा है इसमें. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसी में आएगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें. ठीक है. तो इसमें और वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें आएगा. वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क के अंडर आएगा. इसमें काइनेटिक, पोटेंशियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा. ठीक है. गॉट इट नाउ. तो वर्क से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पावर से रिलेटेड व्हाट एवर इज देयर विल बी कवर्ड इन रिवीजन टेस्ट 2. सो नोट डाउन द सिलेबस फॉर ऑल द 3 रिवीजन टेस्ट. सो टुडे वी वर सपोज टू डू द डेरिवेशंस. ठीक है. हम डेरिवेशंस कर रहे थे. ग्रेविटेशन की 2 कर ली थी हमने डेरिवेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू डू द 4 डेरिवेशंस ऑफ वर्क एनर्जी चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हाट्स द फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर. हु विल डिफाइन काइनेटिक एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या काइनेटिक एनर्जी, कौन बताएगा? यस तवलीन. यस. एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ मोशन. एवरी मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी. एग्जाम्पल्स, मूविंग फैन, आप ये भी कह सकते हो रनिंग बॉय, मूविंग कार, कुछ भी चीज. हाँ ठीक है. हाँ, और फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग एयर, विंड, है ना. तो ये सभी एग्जांपल्स काइनेटिक एनर्जी के दे सकते हो. सो लेट अस डिराइव दिस एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. सो वी आर टेकिंग अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस टेबल. तो व्हेन वी से द वर्ड स्टैंड अप स्मूथ, इट मींस इट्स फ्रिक्शनलेस. वी आर इग्नोरिंग फ्रिक्शन, राइट. So we are taking an object of mass at rest, lying at rest on a smooth table. This wording you will write in the beginning of derivation. सीधा यहाँ से नहीं शुरू कर देना W is equal to Fs से. आप पहले बताओगे कि हम क्या consider कर रहे हैं. Situation बतानी है. ठीक है. So consider an object of mass m lying at rest on a smooth table. ठीक है. Let a force act on it and move it through certain displacement s. Under the action of that force, object starts moving with velocity v. So by definition of work, kya formula hai? Fs. ये कौन सा लॉ है? एफ इज इक्वल टू एम ए. न्यूटन सेकेंड लॉ. सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, सिंस द ऑब्जेक्ट गॉट एक्सेलरेटेड, वी विल राइट फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. ये इसमें पुट कर दू. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये दोनों स्टेप्स क्लियर हैं आपको. वर्क तो हुआ है बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड. Because of its motion, some work has been done by the force. We are going to calculate that force. Now, by third equation of motion, v square minus u square equal to 2as. अब u तो zero लिया हमने, object को rest पे लिया है.
So v square minus 0 square means v square minus 0 means only v square. ये स्टेप समझ में आता है ना ये वाला. सो दिस मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू 2as. अब इसमें as दिख रहा है हमें, तो अगर हम as यहां से निकाल लें, ये 2 यहां चला जाए, वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू as. सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ as नाउ हियर. as को पुट कर सकते हैं वी स्क्वायर बाय 2. आपको कुछ कहा था मैंने, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट हैज बीन डन टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो इट इज काइनेटिक एनर्जी. व्हेनेवर वी विल कैलकुलेट एनी एनर्जी वी विल कैलकुलेट वर्क फर्स्ट. वर्क से ही एनर्जी आएगी. एक ही बात है, एस पुट कर दिया, एस पुट कर दिया, एक ही बात है. ठीक है, हैव अ लुक एट द होल डेरिवेशन. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, सम डाउट इज देयर, यू कैन आस्क. देख लो ध्यान से. क्लियर? किसी को नहीं पता चलाओ, यू कैन आस्क. ठीक है, ये लास्ट में लक्ष्य, यू आर नॉट वेल, ये वाले इधर, ये जो ए एस था ना, इसको यहां से हमने पुट किया वी स्क्वायर बाय, तो लुक दे हियर, एम ऐसे कैसे ये ए एस को क्या पुट किया वी स्क्वायर बाय. सो वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय 2 इज हाफ एम वी स्क्वायर. और ये वर्क मूव करने में यूज हुआ, इसलिए हमने इसको काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. हु विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? यस, कौन बताएगा? जी आ, यस, एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन या ड्यू टू चेंज इन पोजिशन. ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे पड़ी है, दैट मीन्स इट विल पजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड द अदर टाइप ऑफ एनर्जी, लक्ष्य स्टैंड अप, नेम द अदर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वन इज ग्रेविटेशनल, अनदर अरे नाम भी नहीं याद आ रहा, चैतन्य. हाँ जी, इलेक्ट्रिकल. ये पोटेंशियल की टाइप थोड़ी है. हाँ चलो, अब बताओगे कि क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल. चेंज इन साइज एंड शेप. यस, सो व्हेन वी चेंज द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन देयर इज सम एनर्जी स्टोर्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो देन वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज ग्राउंड एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ग्राउंड, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम. अगेन यू विल गिव द सिचुएशन हियर. That what is happening? That we are taking an object of mass m lying at a height h from the ground. Right? Now how much force is acting on it due to earth? That is the weight. So how much weight of object is acting in the downward direction? mg. So if we drop it through this height now, its position will change. पहले यहाँ table पे पड़ी थी कोई भी चीज, मैंने इसको नीचे गिरा दिया, इसकी position change होगी. So work done in changing the position will be stored in the form of gravitational potential energy. So that we are to find. So again we will start from work. Okay, work is Fs. In this case force is weight of the object. At least kitna hame weight lagana, force lagana padega,
at least we have to lift the object. And when we will lift the object, we have to apply force, at least that is equal to its weight. कम से कम इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा जितना वेट के इक्वल है ऑब्जेक्ट, राइट? सो वेट इज द फोर्स एंड डिस्टेंस थ्रू विच इट विल मूव, दैट इज हाइट थ्रू विच इट फॉल्स, दैट इज एच. ऑल राइट, सो पुट दीज वैल्यूज हियर. डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच. सिंस दिस वर्क हैज बीन डन टू चेंज द पोजिशन, this is potential. Since this work has been done to change the position of the object, it is stored in the form of potential energy. So it is mgh. Okay, clear? कोई doubt, छोटी सी derivation है, कोई step clear नहीं है तो पूछ सकते. हाँ जी, डिस्टेंस कितना है बॉडी ने कवर किया, मैं इमेजिन कर सकते हो यहां से लेके यहां तक गिरने में, उस हाइट से लेके ग्राउंड तक जाने में, तो दैट इज इट्स हाइट ओनली. आपने बस वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से यहां तक आई है ऑब्जेक्ट एच, सो एस इज एच. और कितना फोर्स हमने लगाया उसको गिराने में, इक्वल टू एटलीस्ट उसका वेट. सेम वे अगर आप कोई ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हो, यू चेंज इट्स पोजीशन, इट स्टार्ट्स हैविंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कितना फोर्स लगाते हो आप उसको लिफ्ट करने के लिए, इक्वल टू इट्स वेट, तो उतना फोर्स लगाते हो. सो इन दिस केस फोर्स इज इक्वल टू वेट एम जी. यू नो द फॉर्मूला वेट ना, दैट इज एम जी. तो वो हमने यहाँ पे यूज किया, दोनों को यहाँ पुट कर दिया एम जी एच बस. सो द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज MgH. Third derivation is conservation of energy now. नहीं, उसका सिर्फ फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर. इससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम भी कर लेते हैं. Now, object is initially also moving. अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की थी. वी आर टेकन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ टेबल. नाउ वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग ऑन अ स्मूथ टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल. नाउ अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये और उसकी स्पीड को चेंज कर देता है. इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ. सपोज एक आपने कहीं से जो बॉल है वो इधर फेंकी, ठीक है, इधर रोल कर दी, इट वॉज मूविंग विद वेलोसिटी यू. आई ऑल्सो पुश्ड इट, मैंने फिर इसको और पुश कर दिया, उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो गई. सो ऑलरेडी इट वॉज मूविंग, नाउ अनदर फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी वंस अगेन. सो दैट इज द सिचुएशन हियर, ठीक है? तो इसकी यू जीरो नहीं है, बस ये डिफरेंस है. अगेन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, एफ इज इक्वल टू एम ए. और थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जब, तो U जीरो नहीं है, ये है, तो AS आपका ओनली V square by 2 नहीं होगा अब, it will be V square minus U square over 2. AS would be V square minus U square upon 2. Come back, you come back. एक मिनट. So put this AS now here. अब अकेला V square by 2 नहीं है, पूरा का पूरा put करेंगे M as such, and we'll put V square minus U square by 2. और W का W ही रहने देंगे, work ही रहने देंगे, क्योंकि ये specifically कुछ भी नहीं है, तो ये simple work done ही है, इसको हम energy में नहीं convert करेंगे. So this is work energy theorem. And if we open this and elaborate it further, shock देना. तो ये आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल.
So if we open it, half mv square minus half mu square. Half mv square is final kinetic energy, half mu square is initial kinetic energy. So work done is change in kinetic energy. तो देखो धीरे धीरे हम स्टेटमेंट तक आ गए, तो यहां तक भी दिखा सकते हैं. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वर्क इज डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये क्या लिखा है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक. क्योंकि जब आपने V यूज किया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब U यूज किया तो इनिशियल होगी, बिकॉज U इज इनिशियल वेलोसिटी, F इज V इज फाइनल वेलोसिटी. हाँ जी, हाफ कॉमन, हाँ ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी बोल सकते हो आप. जैसे आपको इजी लगे वैसे ही फॉर्मूला लर्न करना, ठीक है? ऑल राइट, इज दैट ओके? Okay, so last derivation of this chapter, conservation of energy. ठीक है, चलिए अब conservation of energy करते हैं. Who will state the law of conservation of energy first? State the law. एक ये बताए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, सिंपलेस्ट है ये तो, सबको आती होगी. आप बताओ, वो लॉ थोड़ी है. टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be converted from one form into the other. Okay, this is the statement of law of conservation of energy. Energy, law of conservation of energy. So we are taking a freely falling object and we will notice its energy at different points during its journey. We'll take three points during its journey, जहां से एक हमने इसको थ्रो किया है, एक इन बिटवीन कहीं पे भी, और एक ऑन रीचिंग द ग्राउंड. वी आर टेकिंग थ्री पॉइंट्स हियर. सो व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रीली, इट इज फॉलिंग विद यू जीरो. वी नो व्हेन इट फॉल्स फ्रीली यू जीरो होता है. टोटल हाइट थ्रू विच इट फॉल्स इज एच, और इन बिटवीन जो हमने बी पॉइंट लिया, सपोज दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द टॉप. So what is the distance of B point, height of B point? That is h minus x. अब यहां तो चलो हमें velocity पता है, but to calculate kinetic energy here and here we need to have its velocity, and we know when an object falls freely its velocity, its speed goes on increasing, and when it reaches the ground it has maximum speed at that time. ठीक है, क्योंकि वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी तो जो थी टॉप पे वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड. टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम हाउएवर. तो यहां क्रॉस करते टाइम इस पॉइंट को उसकी कितनी वेलोसिटी थी वो हमें निकालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ग्राउंड पे पहुंचने पे इसकी स्पीड कितनी थी लेट अस से बी डैश, वो भी निकालनी पड़ेगी. तो सब हम बीच में ही इसको साथ साथ ही करेंगे कंटिन्यू. तो पहले ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी,
How much is kinetic energy at point A? Zero. क्योंकि half mv square, half mu square, u zero है. So kinetic energy is zero here. Potential energy is mgh, क्योंकि पूरी full height है. Total energy, kinetic plus potential. So total energy is mgh. We have found at point A. Let us say this is equation number one. So if total energy comes out to be the same at B and C points also, it will prove our law of conservation of energy. It will justify the law of conservation of energy that during motion, a freely falling object has same energy at all the points. Agar humne three points pe prove kar diya, so it will be proved that at all the points, total energy remains the same. तो मतलब हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है, कंजर्व्ड है. हाँ जी, टोटल एनर्जी, टीई टोटल एनर्जी. अब बी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें स्पीड बतानी चाहिए हाफ एमवी स्क्वायर के लिए. तो लेट अस अप्लाई थर्ड इक्वेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सिर्फ यहां इनके बीच में. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी, और इनके बीच में डिस्टेंस कितने हैं, एक्स. U जीरो है तो हमारा V आ गया, V स्क्वायर आ गया 2GX. We need not write V under root 2X क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसमें ऑलरेडी V स्क्वायर ही होता है, हम वहीं पे छोड़ देते हैं. सो एट B पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम और V स्क्वायर कितना आया, 2GX. So our kinetic energy is mgx. Yes, step clear? Equation clear? किसी को नहीं पता चला? हाँ जी. ये सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स में लगाई, ठीक है? V square minus zero square is equal to 2gx. बस यहां से V square आ. जीरो स्क्वायर जीरो होता है और जीरो कुछ भी नहीं होता, तो वी स्क्वायर आ गया ना. वी स्क्वायर माइनस जीरो, वी मींस वी स्क्वायर माइनस नथिंग. तो वो हमने अब वी स्क्वायर यहां पुट किया 2gx. ए जी होती है ना वर्टिकल मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए ए होती है प्लस जी, अपवर्ड मोशन के लिए माइनस जी. कल हमने क्वेश्चंस किए थे, जो परसों पेपर किया था ना डिस्कस, उसमें दो न्यूमेरिकल्स थे डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन. एक में हमने ए को प्लस 10 लिया था, एक में माइनस 10 लिया था, ठीक है, नेगेटिव. तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी. नाउ लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच. अब एच कितना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ बी पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, तो हम लिखेंगे एच के प्लेस में एच माइनस एक्स. सो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी. अब टोटल इनको प्लस कर देते हैं, टोटल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ओपन करो ब्रैकेट को, mgx प्लस mgh माइनस mgx. सो दिस इज mgh. So total energy is mgh at B point also. This is equation number two. We have calculated total energy at two points. अब third रह जाएगा बस. पहले यहां तक देखो. Third हमने C point ground पे लिए, वहां पे. ठीक है? चलो अब थर्ड के लिए हमें v डैश चाहिए. व्हाट इज इट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, वी नीड दैट. नाउ वी विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन बिटवीन ए एंड सी पॉइंट्स. इन दोनों के बीच में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे. सो v डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, v डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, h. तो v डैश स्क्वायर आ जाएगा 2gh यहां से.
Now, in place of A and B points, we have applied third equation between A and C point. V dash square minus 0 square is 2gh. V dash square aa gaya 2gh. So, let us find kinetic energy at point C now. Half m V dash square. Put the value of V dash square here. Half m 2gh. So, kinetic energy is mgh. और क्योंकि ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे तो हाइट जीरो हो गई, इसकी कोई पोजीशन ही नहीं है. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट इज नॉट हैविंग एनी पोजीशन, सो दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो ग्राउंड तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. पोटेंशियल जीरो हो गई, जो पहले हाईएस्ट थी अब वो जीरो. सो हाउ मच इज टोटल एनर्जी, अगेन एमजीएच. So this is equation number 3. So from 1, 2 and 3 we see that the total energy same at all the points during the journey of freely falling body. So the law of conservation of energy holds here. Okay, so the law of conservation of energy is justified or is proved or it is holding here. ठीक है, clear है ये? देख लो पूरी डेरिवेशन बोर्ड पे. इस टाइम कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, देख लीजिए. हाँ जी, हाँ हाँ, वो चेंज होती जाए. हाँ, इट विल डिपेंड अपॉन हाइट एंड वेलोसिटी. फोर 8, 11, 13, 27, 28.